टू अनदर डे. इट्स संडे टुडे. अभी 11 बज रहे ऑलमोस्ट. हम लोग आए राजवाड़ा, एज यू सी बिहाइंड मी, एंड वी हैव कम हियर टू ट्राई द पोहा ऑफ राजवाड़ा. वहाँ पे कहीं पे मिलता है, हम लोग ट्राई करने आए हैं. और अभी रोड में कुछ ना कुछ वीडियो तो बना ही रहा हूँ, तो सोचा मैं अभी भी बना ही लूँ. कैमरा उठा लिया मैंने, बाकी देखते हैं आज का दिन में क्या है. ठीक है, देखते हैं. बेहतरीन. राजवाड़ा में है और यहाँ पे यहाँ के भी पोहे फेमस रहे हैं. नाम क्या है? केलड़ा. केलड़ा के पोहे. दुकान का नाम सुंदरम. दिल से खाओ, जियो दिल से. एज आई सेड, हम अच्छे पोहे की तलाश में हैं. और ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे अपने को पोहे गंदे मिले हैं. ठीक है, सब यहाँ पे हर जगह के पोहे अच्छे ही है. मतलब कहाँ हर जगह ट्राई कर रहा हूँ मैं. हाँ हाँ वाह, यहाँ के पोहे में फ्लेवर ज़्यादा है कम्पेयर टू जैन और ये और छप्पन वाला. अभी तक मैं 3 जगह के ट्राई कर चुका हूँ. अब तक ये बेस्ट है. राजवाड़ा नंबर 1, जैन वाले नंबर 2 और छप्पन नंबर 3. राजवाड़ा के पोहे तो खा लिए, बढ़िया एकदम, बहुत ही टेस्टी. अब तो मैंने जितने पोहे ट्राई किए सबसे बेस्ट राजवाड़ा के पोहे लगे मेरे को यहाँ पे. डिलीशियस. इतना सारा क्वांटिटी दे दिया उन्होंने. एंड वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज यहाँ पे खाना कितना सस्ता है यार. मतलब हम लोग ने 4 पोहे लिए, 2 वड़े लिए और 1 कचौरी ली और बिल बना 95 रुपीज़ है ओनली. 4 पोहे और इतने सारे पोहे दे दिए उसने. मतलब खाना हज़म नहीं हो रहा था इतने सारे पोहे. बट डिलीशियस, सबसे ज़्यादा फ्लेवर था इसके पोहे में. यहाँ पे चलने के भी वादे होते हैं. यहाँ पे गाड़ी ऐसा बात करते करते चलाना बहुत दूर की बात है. बट बिकॉज इट्स संडे और बिकॉज इंदौर में लॉकडाउन वापस से चालू है. लॉकडाउन ही हुआ है ना इंदौर में कि कर्फ्यू लगा है? नाइट रात का लॉकडाउन लग गया है. बट बिकॉज इट्स संडे तो ऐसे में बिंदास तुमसे बात करते करते चला पा रहा हूँ. अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसा, ये नामुमकिन है. यहाँ पे बात करके चल नहीं सकते. अब गाड़ी चलाना बहुत दूर की बात है. Here is a, it's not a jalebi. ये जलेबी नहीं है, जलेबा है. और ये वो जो जलेबा मिलता है वो कहाँ मिलता है? 100 रुपये वाला. हाँ, तो जो राजवाड़ा में जो 100 रुपये वाला जलेबा मिलता है ना, मेरे को काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, वो नहीं है. ये नॉर्मल दुकान में उसको बोला भाई एक्स्ट्रा ले पैसा और बड़ा बना, तो ये वो है. आई ईटिंग हैबिट्स आई एम गॉन फॉर अ टॉस. जितना मैं स्वीट बॉम्बे में सब इतना खाता था, यहाँ मैं इतना खा रहा हूँ बेहिसाब. पब्लिक शिव इन अ बिट. जलेबी खाते खाते तो हो गया हमारा. मतलब वो पूरी नहीं खाई मैंने, ऐसा लगी अगर किसी को लग रहा है कि पूरी खा गया मैंने, नहीं ऐसा नहीं है. थोड़े 1-2 पीस खाए फिर रख दिया अपन ने. बाकी ये देखो, इसके बॉब के नेबर ने हमारे लिए चाय भेजी है और अपेरेंटली इट्स वेरी नाइस चाय. और मेन क्या है, इतना फैंसी लग रहा है, देखो कांच के कप है, पूरा दिख रहा है, इट्स सो नाइस. प्रेजेंटेशन के 10 पॉइंट्स. Thank you.
फ्रेंड्स में याद है रिचल वो कौन सा कस्टर्ड कुछ पाय बनाती है एंड देन एवरीवन लाइक ये मसाला चाय बहुत टेस्टी है आंटी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू इधर ही वैसे पीछे आहा डिलीशियस डिलीशियस The best part I like about these big houses is the terrace. और ऐसे यहाँ पे ये like this side of the city यहाँ पे ज़्यादा buildings नहीं है like यहाँ पे सामने एक building है और पीछे एक दो building है but otherwise it's all maintained at a similar height. Like Bombay में कैसे like towers है एक जगह एक point के बाद view obstruct हो जाता है यहाँ पे unobstructed view है काफ़ी दूर दूर तक ऐसे like clear दिखता है and it's a lot of fun because अभी weather भी मस्त है hoodie निकल गई है as you see. बस वेदर हो गया टुडे इज़ माई लास्ट डे इन इंदौर अभी यहाँ से जाना है कुछ सामान लेना है अगर आप इंदौर आए और इंदौर से सेव वेव लेके नहीं गए वैसे मेरे को ज़्यादा शौक नहीं है सेव वेव खाने का बट मेरे को ऑर्डर आए काफ़ी लोगों के दो तीन लोगों ने ऑर्डर किया मेरे लिए ये सेव चाहिए मेरे लिए ये चाहिए मेरे लिए ये चाहिए तो अभी वही करना है बाहर जाके वो सब सामान लेके आना है ढूंढना है लाइक अब तक इंदौर में इज़ बिन फैंटास्टिक जो चीज़ें मेरे को जो सारी चीज़ें मेरे को पसंद थी खाना खाना टेस्टी खाना खाना यहाँ वो सब किया मैंने इतने तीन चार दिनों में इतना अनाप शनाप खाया मैंने जिसका कोई हिसाब नहीं है बॉम्बे जाके अभी ऐसा ये पेट ऐसा जम गया इधर ऐसे ज़्यादा नहीं है ये इतनी लेयर आ गई फैट की पर ये बॉम्बे जाके अभी निकालना पड़ेगा जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगे मैं ऑलरेडी एक दूसरे ट्रिप पर रहूँगा आई वुड हैव स्टार्टेड अ डिफरेंट जर्नी क्योंकि ऑन द 27th आई एम फ्लाइंग समवेयर वेयर यू हैव टू वेट एंड वॉच नेक्स्ट एपिसोड हाँ अभी मतलब अभी पिछले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में बेटर कर अदरवाइज दैट्स अबाउट इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू एंजॉयड दिस इंदौर सीरीज दिस 2-3 एपिसोड खाना खाना ज़्यादा दिखा दिया पता है भूख लग गई तो सॉरी बट रेगुलर ठीक है आई होप यू एंजॉय दिस सीरीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इमीडिएटली टेक इट ईजी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.